आज अगर हम चुप बैठे तो कल सन्नाटा छाएगा, हर घर से आग उठेगी, पूरी बस्ती जल जाएगा। नमस्ते, मैं हूं अनंत और आप देख रहे हैं द यूनिक न्यूज। आज की एक हैरत अंगेज तस्वीर है तेघरा विधानसभा के पिढौनी पंचायत का, जहां इस कोरोना जैसी वैश्विक संक्रमण महामारी के बीच मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में समाज सेवी हेमंत कुमार शर्मा, जिनके द्वारा इस कोरोना जैसी वैश्विक संक्रमण महामारी के क्षण में लोगों के बीच जाकर, घर घर जाकर, लोगों को बुलाकर, असहाय, जिनका कोई आसरा नहीं है, जिनका की मजदूरी भी इस लॉकडाउन के कारण बंद है, वो घर में बंद है, उनके बाल बच्चे जिनके अब होठों पे भूख की लाली सी पड़ गई थी, जिनके अंतरात्मा में बस यही हो रहा था कि हे अन्न के देवता, आओ और कहीं से अन्न उपलब्ध कराओ, ऐसे लोगों के बीच जाकर ये खाने का सामान, कच्चा सामान उपलब्ध करवाया। और इसी बीच पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ये काम ये पिछले 10 वर्षों से अनवरत रूप से कभी वस्त्र बांट के, कभी कंबल बांट के, कभी साड़ी बांट के, कभी फल बांट करके, कभी निसहायों के बीच अनाज बांट के, ये 10 वर्षों से निरंतर, उस समय ये मुखिया हुआ करते थे तो ये निरंतर इस काम को करते हुए चले आ रहे हैं। हम आपको बताएं कि उस समय ये मुखिया हुआ करते थे और मुखिया संघ का ये अध्यक्ष भी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसे किसी भी सामाजिक पद पर नहीं रहते हुए, राजनीतिक पद पर नहीं रहते हुए भी इनके मन में दुख की इतनी बड़ी पीड़ा जगी, ये दुख को देख के, कोरोना जैसी वैश्विक संक्रमण महामारी को देख के विदीर्ण हो गए, विचलित हो गए और अनायास बस हम यही कहेंगे कि घर से निकले, कारवां बनाए और घर घर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किए। ये तस्वीर कुछ क्षण के लिए बिल्कुल सुकून देने वाली होती है कि एक अद्वितीय ये कारनामा है, लेकिन साथ ही कुछ वैसे लोगों के लिए ये चुनौती भी है जो आज भी सामर्थ्य होने के बाद भी, अपने समरसता के बाद भी घर में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन करते हुए आगे आना होगा, कदम बढ़ाना होगा और कोरोना से जंग जीतेंगे हम, इस पे काम करना होगा। हम आपको ये भी बताते चले कि हेमंत कुमार शर्मा एक नया नाम है, बहुत पुराना नाम है, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जितनी भी हम इनके कारनामों के बारे में बोले, चाहे वह एक गरीब के बेटी की शादी रचाने से लेके एक मजदूर के पूरे जीवन का परवरिश और उससे भी कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच के साथ, हर हमेशा ये तत्पर, तैयार और धैर्य के साथ तैयार रहते, अपने आप में ये बहुत बड़ा अभी का जरूर शब्द होगा लेकिन सुकून देने वाला होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए अनंत कुमार के साथ और देखते रहिए द यूनिक न्यूज बेगूसराय।